हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब चैनल गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम सभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस यानी कि हमारे टेंस फॉर्मेशन की ये जो केवल टेंस फॉर्मेशन पर चल रही थी वो लास्ट क्लास है, कल हम मिक्सिंग सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के बारे में मैंने इस पेज पर कुछ लिखा है, कुछ नियम और कुछ कायदे तथा कुछ अपने सेंटेंस बनाए जिसको अपन अभी डायरेक्टली फॉर्मेट करेंगे। और आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आप अपनी जो नोटबुक है अपने पास में रखें और उसके नोट्स बनाएं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट खोले उसमें मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं तो वीडियोज जो आता है ना होम के पास में वीडियोज़, और वीडियोज़ के पास में प्लेलिस्ट आती है तो वीडियोस के अंदर चेक करो, आपको एक से लेकर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, मोहन कल सुबह से पढ़ रहा होगा, तो अपन को क्या लिखना है, मोहन। देखो पहले ये चर्चा करते हैं, वाक्यांश में रहा होगा, खड़ा होगा या बैठा होगा। अब देखो होगा केवल फिक्स नहीं, होगा होगी होगी जो भी है वो कंप्लीट है, फ्यूचर का भाव होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। प्लस समय प्लस से आदि आता है, ये जरूरी नहीं कि वाक्यांत में आएगा, समय प्लस से वाक्य की स्टार्टिंग में नहीं सॉरी वाक्य के मध्य में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। समय प्लस से एच वी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और एम वी आई एन जी फॉर्म हमारा फिक्स है, ठीक है ना। कैसा भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें अपन आई एन जी फॉर्म तो 100% लगाते हैं। फिर है मोहन कल सुबह से पढ़ रहा होगा, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ हमसे बन रही है फॉर्मेट हो रही है नियम हमें पता है, हमने देख लिया कि सुबह से यानी कि समय प्लस से और रहा होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिक्स है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो हमें अपना टेंस फॉर्मेट करने की सबसे अच्छी कला है कि जितना हो सके आप स्टार्ट कर लो, फिर बचा हुआ आप फटाक से लिख दो, यानी कि आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मोहन के साथ में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें ये विल लगाना, तो विल लगाया तो हैव बीन भी लगाना है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूज है, तो ये हमने लगा दिया विल हैव बीन। तो एस एच अब क्या लगाना हमें, एम वी लगानी, तो एम वी कैसे आएगी, आई एन जी फॉर्म। तो पढ़ने को क्या कहते हैं, पढ़ने को कहते हैं स्टडिंग, ठीक है ना, हो गया। अब मोहन विल हैव बीन स्टडिंग, ठीक है ना। अब क्या है कि कल सुबह से, तो कल सुबह से मतलब फिक्स टाइम आया है, तो सिंस टुमारो मॉर्निंग, ओके, बहुत ही अच्छे से सेंटेंस बन गया। तो मोहन विल हैव बीन स्टडिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। अब है सेंटेंस नंबर दो, वह 2 घंटे से नहा रहा होगा, ठीक है ना, नहाना मतलब टेक अ बाथ, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वहां की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ में क्या आएगा, विल के साथ में हैव और बीन, ये हमें फटाक से लिख देना है, ही विल हैव बीन। अब आती है एम वी, तो अभी मैंने आपको बताई टेक अ बाथ, तो यहाँ पर हो जाएगी टेकिंग अ बाथ, ठीक है ना, टेकिंग अ बाथ, ठीक है ना, ही विल हैव बीन टेकिंग अ बाथ। अब है कि 2 घंटे से, 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, ओके, फॉर 2 आवर्स, नो डाउट वहाँ 2 घंटे से नहा रहा होगा, ही विल हैव बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 2 आवर्स, ओके। सेंटेंस नंबर 3, मीरा सुबह से एक पेड़ के नीचे बैठी होगी, मीरा सुबह से एक पेड़ के नीचे बैठी होगी, तो मीरा देखते ही अपन को ये लिख देना है मीरा, और फिर लिखना है इसके साथ में क्या आएगी, विल के साथ में आएगा हैव बीन, ये हमने लिख दिया हैव बीन। अब है बैठी है, तो बैठी मतलब स्टैंडिंग, ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो अब पीछे क्या बचा है, पीछे देखो सुबह से एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना, ये हमारा पीछे बचा हुआ भाग है, तो हमें लिखना क्या है, समय सूचक शब्द तो बाद में लिखना है, हमें लिखना है कि एक पेड़ के नीचे स्टैंडिंग अंडर, आप खुद ही सोच लो स्टैंडिंग लिखा यानी कि बैठी है, अब कहाँ बैठी ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब है कब से बैठी है, तो बैठी है सुबह से, ठीक है ना, सिंस, ठीक है ना, सिंस, फिर है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, ओके, नो डाउट मीरा विल हैव बीन स्टैंडिंग अंडर द ट्री सिंस मॉर्निंग, नो डाउट। नंबर 4, हाँ
अब आप सोच रहे हो कि ये सुबह से है तो इन द मॉर्निंग क्यों नहीं आया, तो इसमें इन द मॉर्निंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से वाला भाव आया हुआ है, तो केवल से मतलब सुबह को ही संबोधित कर रहा है, सुबह मैं को संबोधित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मेरा भाई 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, मेरा भाई है तो सबा से पहले लिखना है मेरा भाई, माई ब्रोदर। माई ब्रोदर के साथ में क्या आएगी? विल हैव बीन, विल हैव बीन हमने तुरंत यहाँ पर लिख दिया, माई ब्रोदर विल हैव बीन। अब है पढ़ाई कर रहा होगा, तो पढ़ाई करना मतलब स्टडिंग, अभी हमने पहले वाक्य के अंदर ये किया होगा, तो माई ब्रोदर विल हैव बीन स्टडिंग, ठीक है ना, माई ब्रोदर विल हैव बीन स्टडिंग। अब है देखो पीछे क्या बचा, मेरा भाई हमने लिख दिया मेरा भाई, ठीक है ना। 2 घंटे लिखा था, फिर भी 2 आवर्स लिखे थे, तो 6 घंटे में भी क्या लिखना है? 2 आवर्स ही लिखना है, फॉर 2 आवर्स होगा, नहीं फॉर 6 आवर्स होगा, मतलब सिंस की जगह यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 6 घंटे फिक्स टाइम नहीं है। 6 घंटे में कौन से टाइम से, अगर फिक्स आ जाए ना कि 2 बजे से 3 बजे से, तो वो फिक्स हो जाता है, केवल 2-4 घंटे, 6 घंटे मतलब हो सकता है 5:30 घंटे पहले स्टार्ट हुआ हो, ठीक है ना, तो भी अपन कह देते हैं 6 घंटे, या हो सकता है 6 घंटे से थोड़ा ऊपर हो फिर भी हम कह देते हैं 6 घंटे, इसलिए फिक्स टाइम नहीं है। तो इसमें देखो माई ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, ओके, माई ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स। फिर है सेंटेंस नंबर 5, वहाँ 2 घंटे से रेलवे स्टेशन पर नहीं खड़ा होगा, इसमें नहीं आया इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब है कि वहाँ, तो वहाँ की इंग्लिश आएगी ही के साथ में आएगा विल, विल के साथ में आएगा हैव के बाद में जस्ट अपन को क्या लिखना है? नॉट, ठीक है ना, नॉट बीन, ये तो हमारा हो गया, नहीं हमने लिख दिया, एच यू हमने लिख दी, ही हमने लिख दिया। अब है कि खड़ा होगा, खड़ा मतलब स्टैंडिंग, ठीक है ना, ये हो गया हमारा खड़ा होना, ठीक है ना। अब कहाँ खड़ा होगा? तो रेलवे स्टेशन पर, तो एट द रेलवे, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ही विल हैव नॉट बी स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। अब है कि 2 घंटे से, 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है, तो अपन ने लिख दिया फॉर 2 आवर्स, ओके। ही विल हैव नॉट बीन स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन फॉर 2 आवर्स, नो डाउट। सेंटेंस नंबर 6, क्या वहाँ एक कहानी सुबह से हमें सुना रहा होगा? तो इसकी अपन बनाएंगे, वहाँ के साथ में क्या आती है? विल, तो विल को हमने सबसे पहले लिख दिया विल, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर ही, ठीक है ना। देखो थोड़ा डाउट हो गया था इसलिए इसको अलग अलग दिख रहा है। क्या वह एक कहानी सुबह से हमें सुना रहा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या सुबह से वह हमें एक कहानी सुना रहा होगा। दोनों सेंटेंस तो एक हिसाब से बनेंगे, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। विल ही हैव, ठीक है ना, बीन। अब देखो कहानी सुनाना, देखो ये क्या था, वहाँ एक कहानी सुबह से हमें सुना रहा होगा, तो सुनाना मतलब टेलिंग, ठीक है ना, टेलिंग अस, यानी कि हमें क्या एक कहानी, अ स्टोरी, ठीक है ना, कब से? सुबह से, ठीक है ना। तो सुबह से मतलब सिंस, और सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग, ओके। विल ही हैव बीन टेलिंग अस अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स, ओके। सेंटेंस नंबर 7, वहाँ 2025 से अपने घर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ की इंग्लिश होगी ही के साथ में आएगा विल, विल के साथ में आएगा हैव के साथ में आएगा बीन। अब है जा रहा होगा मतलब गोइंग, ठीक है ना। अपन को सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फंसना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना एस एच एम। अब एम यानी कि हमने लिख दिया गोइंग, अब है कि एम मतलब ओ लिखना, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि अपने घर, देखो खुद ही सोच लो कि वहाँ जा रहा होगा, तो अपने मन में आएगा ना कहाँ जा रहा होगा, कि अपने घर। फिर आएगा कब से जा रहा होगा, 2025 से, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू हिज होम, आने जाने के लिए टू, और हिज होम यानी कि अपने घर। फिर आता है 2025 से, फिक्स टाइम है 2025, तो हमने लिख दिया सिंस 2025,
2025, ओके। ही विल हैव बीन गोइंग टू हिज होम सिंस 2025, कोई डाउट नहीं। फिर है सेंटेंस नंबर 8 वाला, एक हेलीकॉप्टर पिछले 2 घंटों से आकाश में मंडर रहा होगा, ठीक है ना, मंडरा रहा होगा, ठीक है ना। एक हेलीकॉप्टर, तो अपन को क्या लिखना, अ हेलीकॉप्टर, सीधा से लिख दो हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, अ हेलीकॉप्टर, ओके। अब है अ हेलीकॉप्टर हमने लिख दिया, इसके साथ में क्या लगाएंगे, द विल हैव बीन, ठीक है ना, ये तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, हमने जितना हमारे समझ में आ रहा फटाफट लिख देना चाहिए, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर विल हैव बीन, अब क्या लिखना, एमवी क्या है, मंडराना, मंडराने को कहते हैं हॉवरिंग, ठीक है ना, हॉवरिंग। हेलीकॉप्टर विल हैव बीन हॉवरिंग, कहाँ मंडरा रहा होगा, तो आकाश में, तो इन द स्काई, ठीक है ना, इन द स्काई। अब है कि कब से, तो पिछले 2 घंटों से, तो अपन को लास्ट में क्या लिखना है, पिछले दो घंटों से मतलब सिंस, देखो पिछले 2 घंटों से फिक्स टाइम बता रहा है, देखो पिछले लिख ही दिया है तो इसका मतलब फिक्स अपन समझ सकते हैं, वैसे आपने फॉर लगाया तो कोई गलत नहीं होगा। सिंस लास्ट, ठीक है ना, टू आवर्स, ओके। अ हेलीकॉप्टर विल हैव बीन होवरिंग इन द स्काई सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है ना, ओके। सेंटेंस नंबर 9, मैं कई सालों से एक कहानी लिख रहा होऊंगा, सीधी सी बात है, कई साल लिखे तो कोई फिक्स टाइम है ही नहीं, ठीक है ना। तो आई के साथ में क्या आएगा, सेल के साथ में क्या आएगा, हैव बीन, ये हमने लिख दिया हैव बीन, लिखना मतलब राइटिंग, ठीक है ना। आई सेल हैव बीन राइटिंग, हमने लिख दिया यहाँ पर राइटिंग, आई सेल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी लिख दिया हमने, अ स्टोरी क्या लिख रहा हूँ, एक कहानी तो हो गई, अ स्टोरी फॉर मैनी ईयर्स, ओके। आई सेल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर मैनी ईयर्स, ओके, कई सालों से एक कहानी लिख रहा हूँ, ओके। नंबर 10 सेंटेंस है, आप 12 बजे से यहाँ नहीं बैठे होंगे, 12 बजे से नहीं बैठे होंगे, सीधी सी बात है, हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ में क्या आएगा, विल के साथ में क्या आएगा, हैव, तो हमने लिख दिया यहाँ पर हैव, फिर ये इसको ध्यान रखना, यहाँ पर लिख दिया नॉट, फिर यहाँ पर लिख दिया बीन, फिर बैठने को क्या कहते हैं, बैठने को कहते हैं स्टैंड, तो यहाँ पर हो गया स्टैंडिंग, फिर कहाँ पर, यहाँ पर स्टैंडिंग हियर बन गया हियर। अब पीछे क्या बचा, देखो आप यानी कि यू, ये होंगे इसकी हो गई मान लो विल हैव, और नहीं की हो गई नॉट, बीन तो आईएनजी फॉर्म के लिए ज़रूरी है, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ लिख दिए स्टैंडिंग हियर, यानी कि यहाँ पर, पीछे क्या बचा है, 12 बजे से, 12 बजे एक फिक्स टाइम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया है सिंस 12 o'clock, ओके। यू विल हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 12 o'clock, ओके, नो डाउट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का और टेंस फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप अच्छी तरीके से इसको रिपीट करिए, बार बार करिए, क्योंकि इसके बाद में हम मिक्सिंग सेंटेंस बनाने जाएंगे, ठीक है ना। 5 सेंटेंस कोई भी अपन ब्लैक बोर्ड पर मिक्सिंग करते हुए बनाएंगे, यानी कि किसी भी टेंस के हो सकते हैं, या हो सकता है किसी यूजॉब के हो, यूजॉब यानी कि वर्ब फॉर्मेशन, ठीक है ना, उसके भी हो सकते हैं। इन सेंटेंसेस को अपन ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए तो अच्छी तरीके से समझें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इफ़ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन सो मच।